गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द गार्डनिंग ब्लॉक्स डेली। आज का ब्लॉग जो मेरा ब्लॉग ये है हमारे पौधा जो पाम का पौधा है, आप स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं, उस पर है और उसकी ग्रोथ पर है एंड उसके केयर पर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो, और बेल आइकन फॉर ऑल को प्रेस कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये हमारा पाम का पौधा है और इसकी ग्रोथ और शाइनिंग आप बखूबी देख सकते हो, कितना शाइन, कितना चमक रहा है, जो कि मैं बता नहीं सकता, आप खुद ही देख सकते हो स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आप भी जानना चाहोगे कि इसकी ग्रोथ, इसकी केयर मैंने कैसे की है जिससे पौधा इतना अच्छा ग्रोथ हुआ है। आप इसकी खूबसूरती देख सकते हो स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया ग्रोथ हुआ है इसकी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसकी ग्रोथ टिप्स के बारे में बातें करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसमें ज़्यादा कुछ वो टाइम और क्या कहते हैं ज़्यादा कुछ इसमें इस्तेमाल किया नहीं है। बस मैंने इसमें कोकोपीट का यूज़ किया है थोड़ा सा, और बर्मी कंपोस्ट या फिर आप गाय का गोबर भी ले सकते हो, उसका मिक्स करके आप महीने में एक से दो बार डालना, और जो पानी का लेवल है वो नॉर्मल रखना है, ज़्यादा आपको पानी नहीं देना है इसमें। जी हाँ दोस्तों, और क्या कहते हैं, आपको इसको शेड वाले एरिया में रखना है, ज़्यादा धूप वाले एरिया में नहीं रखना है गर्मियों के दिनों में। बरसात के मौसम में आपको ज़्यादा डायरेक्ट बारिश वाली जगह पर नहीं रखना है इसको, आप साइड में कहीं रख सकते हो जहाँ बारिश की थोड़ी थोड़ी झीसी पड़े इस पर, पूरी बारिश की बूंदे इस पर ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने बस इतना इस पौधे में किया। आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो, कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है, और शाइन आप बिल्कुल देख सकते हो, कितना शाइनिंग, बहुत ज़्यादा शाइनिंग कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो मेरा ब्लॉग था इसी के ऊपर था। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी किसी टॉपिक पर और भी किसी पौधे के बारे में कोई ब्लॉगिंग करूँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप आराम से पूछ सकते हो, मैं एक एक हर सबको मैं रिप्लाई कर दूंगा, सबको बता दूंगा। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। सब्सक्राइब करने में क्या आता है यार, सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो आज का ब्लॉग बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।